गुड मॉर्निंग बच्चों, दिस इज योर साइंस टीचर प्रतिमा जायसवाल। टुडे दिस इज क्लास फोर्थ वीडियो और टुडे आई विल टीच यू चैप्टर 5 सर्कुलेटरी सिस्टम एंड एस्पिरेटरी सिस्टम। अभी आपके 4 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं, ये आपका 5th चैप्टर है और 5th चैप्टर में हम सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। हमारी बॉडी में बच्चों हमारी बॉडी में कई तरह के सिस्टम काम करते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम। तो उसमें जो है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम को हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में ये जान लें कि सर्कुलेटरी क्या होता है। बच्चों सर्कुलेटरी सिस्टम में हम अपने शरीर में जो अपनी बॉडी में जो भी हमारी बॉडी में हेड टू टो जो भी ऑक्सीजन का या फूड सब्सटेंस का, एनर्जी का, इन सब का जो सर्कुलेशन होता है उसके लिए हमारी बॉडी में एक वेल डिफाइंड सर्कुलेटरी सिस्टम है। उसमें उसके कंपोनेंट्स क्या करते हैं बॉडी के सब, क्योंकि आपको एक बार ये जरूर पता, अभी सबने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा या आप जानते हैं कि हमारी जो पूरी बॉडी की कंट्रोलिंग है वो कौन करता है, ब्रेन करता है। हमारा ब्रेन जो हमारी बॉडी की कंट्रोलिंग करता है, हमारे ब्रेन हमारा ब्रेन हमें याद रखने में मदद करता है, हमारा ब्रेन हमें डिसीजन लेने में मदद करता है। तो हमारा ब्रेन जो है वो हमारी बॉडी के सभी जितने सिस्टम वर्क कर रहे हैं, हमारी बॉडी द्वारा जो भी वर्क कर रहा है या हमारी माइंड द्वारा जो डिसीजन लिया जा रहा है या एवरी वर्क ऑल वर्क के लिए जो हमारा ब्रेन जिम्मेदार है, जो हमारी बॉडी द्वारा किया जाता है। तो ब्रेन को कंट्रोलिंग करने के लिए कोई सिस्टम होगा उसके पास। अब ब्रेन तो हमारे हेड में लगा है। अब मान लीजिए कि हमारे पैर की उंगली जो हमारी टो है उसको मान लीजिए वो गर्म तवे से छू जाती है, तो क्या होता है हमारा जो पैर अचानक से हट जाता है वहां से। तो बच्चों को क्यों होता है कि हमारा ब्रेन जो है, हमारे ब्रेन ने ये समझा कि ये चीज गर्म है और वो टो के लिए हार्मफुल हो सकती है, तो उसने क्या किया, ऑर्डर दिया कि टो हट जाए, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी का ब्रेन ब्रेन करता है। तो अब इस चीज के लिए अब ब्रेन सर में है तो पैर में है, तो अगर टो में हमें हीट आ रहा है, अगर टो गर्म हो रही है तो हमारे ब्रेन को कैसे पता चल गया कि टो के पास हीट है या टो हार्म हो सकता है, टो जल सकती है, कैसे पता। जाहिर सी बात है कोई ना कोई मैसेंजर होगा बीच में जिसने ये सूचना ब्रेन तक पहुंचाई और ब्रेन से ऑर्डर ले जाकर टो तक पहुंचाया कि टो हट गया। हाँ तो बच्चों ये जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है ये एक प्रकार से ब्रेन के लिए मैसेंजर का काम करता है। तो हमारे जो सर्कुलेटरी सिस्टम में भी हम जब से पढ़ेंगे आपको समझ आएगा, हम आपको इंट्रो में बता रहे हैं कि हमारे ब्रेन से पतली पतली ब्लड की ट्यूब जो है पूरी ओवरऑल बॉडी में फैली रहती हैं। तो ये पतली पतली ट्यूब होती है ब्लड वेसल्स, तो जो ब्लड है वो हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है, दौड़ता रहता है। तो जब ब्लड यहाँ इस ऑर्गन से उस ऑर्गन, ऑर्गन से ब्रेन, ब्रेन से सारे ऑर्गन में जाता रहता है, तो वो उसी के साथ में मैसेंजर भी है, वो सूचना को ब्रेन तक पहुंचाता है, ब्रेन से सूचना सारे ऑर्गन तक पहुंचाता है। जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है तो ऑक्सीजन जब हम नाक से लेते हैं तो ब्रेन से घुल जाती है, वो सारे ऑर्गन को पहुंचती है, तो सारे ऑर्गन वहां से ऑक्सीजन ले लेते हैं और फिर कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में डाल देते हैं और फिर ब्लड सर्कुलेट होती है और हम रेस्पिरेटरी सिस्टम से अंदर सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कर देते हैं। तो हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो एक पतली पतली ब्लड वेसल्स की पूरी जाल है जो पूरे ऑल ओवर बॉडी में फैली हुई है और वहां तो वो उस पर दो तरह की ट्यूब्स हैं, एक हमारे पूरे बॉडी के ऑर्गन को हार्ट से कनेक्ट करते हुए ब्रेन तक जाती है और दूसरी ब्रेन से कनेक्ट करते हुए हार्ट को लेते हुए पूरे ऑर्गन तक जाती है। तो बच्चों क्या होता है कि जो सारे ऑर्गन का ब्रेन से कनेक्शन या ब्रेन का ऑर्गन से कनेक्शन, तो इनको कनेक्ट करने वाले सिस्टम को ही हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। ये देखिए आपको इस फिगर में भी ये बात दिख रही होगी कि देखिए ब्रेन हमारा ये सर है, सर के बाद देखिए हमारा ये
हमारे सर में, हमारे मस्तिष्क में ऊपर सेरिब्रम रहता है, सबसे ऊपरी पार्ट को, हमारे ब्रेन के सबसे ऊपरी पार्ट को हम कहते हैं सेरिब्रम, जो हमारा डिसीजन से संबंधित पार्ट है। उसके बाद सेरिब्लम होता है और उसके लास्ट में होता है ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम होता है। तो आप देखिए ये इतना इसमें हमारे पूरे में फैला रहता है। ये देखिए यहां पर क्या होता है कि यहां पर सेरेब्रम यहां पे सेट होता है, उसके नीचे सेरेब्लम और यहां पे ब्रेन स्टेम, ये हमारा, उसके बाद हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, ये हमारी रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कॉर्ड है यहां पर होती है। तो इस पूरे इन सब को कवर करते हुए जो सिस्टम देखिए, आपको एक पतली पतली ट्यूब्स दिख रही होंगी, एक रेड एंड एक ब्लू, तो ये सभी क्या है, इन्हें वेन और आर्टरीज कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, ब्लड बहता है, एक में क्या होता है कि ऑर्गन से ब्लड हार्ट को और ब्रेन को जाता है, और एक वेसल द्वारा, इसे हम ब्लड वेसल कहते हैं, तो एक वेसल द्वारा जो है ब्रेन से और हार्ट से ब्लड सारे ऑर्गन में जाता है। तो ये जो तंत्र काम करता है इसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। सर्कुलर मतलब होता है आवागमन परिवहन, तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम का तंत्र है। तो अब हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, लेट गेट स्टार्टेड। अवर बॉडी हैज डिफरेंट ऑर्गन, तो हमारी बॉडी में ढेर सारे ऑर्गन, अभी भी आपको पता ही है कि हार्ट है, लंग्स है, किडनी है, बहुत ढेर सारे ऑर्गन है। अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन ऑर्गन आर ग्रुप्ड इंटू डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम। इन क्लास थ्री, क्लास थ्री में आपने डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम पढ़ा होगा। वी लर्न अबाउट सर्कुलेटरी एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ब्रीफ, तो हमने थर्ड क्लास में अपने इसको थोड़ा बहुत इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था। तो अब हम क्या करेंगे, आज हम इसको डीप में पढ़ेंगे। कैन यू रिकॉल द नेम ऑफ द ऑर्गन दैट मेक्स सर्कुलेटरी एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम फ्रॉम द इमेज गिवन ब्लू, तो आपने जो थर्ड में पढ़ा था इसके अकॉर्डिंग क्या आप इसको रिकॉल करके आप इस हार्ट के नाम, इसके जो ये नाम है आप दे सकते हैं। तो हाँ हम दे सकते हैं, सबसे पहले तो हमारा ये हार्ट ही हमें दिख रहा है, हमें दे दी, उसके बाद ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, हम उसको लिख देंगे यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, हमारी किडनी है, हम किडनी लिख देंगे, और इसके बाद ये यूरिनरी ब्लैडर, किडनी और ये यूरिनरी ब्लैडर। तो बच्चों यहाँ पर अब फिर से हम रिपीट करते हैं, ये तो हमारा हार्ट है साफ साफ दिख रहा है, उसके बाद ये जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड से, अब चूंकि हमारा स्केलेटन सिस्टम तो यहाँ ही नहीं, स्पाइनल कॉर्ड तो लिखेंगे नहीं, ये क्या है, ये ब्लड वेसल से, ये ब्लू और रेड जो है ब्लड वेसल से इसमें ब्लड फ्लो होता है। तो यहाँ लिखेंगे क्या, सही बच्चे, यहाँ लिखेंगे हार्ट, यहाँ लिखेंगे ब्लड वेसल, यहाँ पे लिखेंगे किडनी, और ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर। अब हम बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो सर्कुलेटरी सिस्टम बच्चों एक ट्रांसपोर्टेशन है, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, द सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस इनसाइड अवर बॉडी। तो सर्कुलेटरी सिस्टम एक प्रकार का ट्रांसपोर्टेशन है, हार्ट से सभी ऑर्गन को सब्सटेंस को ट्रांस करना और ट्रांसपोर्ट करना, और सभी ऑर्गन से हार्ट की तरफ सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करना, मतलब कि हार्ट से सभी ऑर्गन को चीजें पहुंचाना या मैसेज पहुंचाना, और सभी ऑर्गन से हार्ट को मैसेज पहुंचाना, सॉरी मैसेज ब्रेन को देना है, सब्सटेंस जो है हार्ट को पहुंचाना। तो सर्कुलेटरी सिस्टम के हमारे दो मेन पार्ट हैं, सबसे पहला पार्ट है हार्ट और दूसरा ब्लड वेसल्स। तो दो तरह की पतली पतली ट्यूब्स हैं, एक जो होता है जो ऑर्गन से हार्ट को चीजें प्रोवाइड करती है, और एक होता है हार्ट से ऑर्गन को चीजें प्रोवाइड करती है। तो अब यहां पर हम देखते हैं हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन दैट पंप्स ब्लड इनटू द लार्जर बॉडी वेसल्स। तो हार्ट क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन है, मसल्स के ऑर्गन है जो है ब्लड वेसल्स के द्वारा ब्लड को ऑर्गन तक भेजती है, और ऑर्गन से ब्लड को रिसीव करती है। तो द हार्ट आल्सो रिसीव ब्लड फ्रॉम ऑल द ऑर्गन ऑफ द बॉडी, तो ये भेजती है और रिसीव करती है। बच्चों भेजने और रिसीव करने के पीछे रीजन ये है कि हार्ट में ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है, ब्लड में जो इम्प्योरिटीज घुली होती हैं वो उनको साफ कर दिया जाता है। इसके लिए हार्ट में
हार्ट हमारा जो होता है वो ये फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है, इसमें चार कक्ष बने होते हैं जहां दो में ब्लड आता है प्यूरिफाई होके, दो में ब्लड सब ब्लड इकट्ठा होता है। तो हमारा हार्ट जो है बच्चों लाइफ टाइम बिना रुके काम करता रहता है, एटलीस्ट जब हम सो जाते तो भी हमारा हार्ट जो है काम करता रहता है, हमारा हार्ट जो है वो रुकता कभी भी नहीं है, वो हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता ही रहता है। तो ये हमारा जो है इसमें हमारे ब्रेन का कंट्रोल है, अपना काम कंटिन्यू करता ही रहता है। अब ब्लड वेसल्स की बात करें, दीज आर थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये पतली पतली ट्यूब्स होती हैं जो स्टार्ट फ्रॉम द हार्ट एंड रन थ्रू एंटायर द बॉडी फॉर्मिंग अ नेटवर्क। तो ये क्या करती है, हार्ट से स्टार्ट होती है पूरी बॉडी में फैली होती है, जिससे एक नेटवर्क जो एक नेटवर्क बनाती है। ये कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, मतलब ये ब्लड को हार्ट से सभी अंगों तक पहुंचाती हैं, सभी ऑर्गन तक पहुंचाती हैं और सभी ऑर्गन से ब्लड लाके हार्ट को देती हैं। तो ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो तीन टाइप की होती हैं, आर्टरीज, वेंस एंड कैपिलरीज। तो बच्चों जो आर्टरीज होती है, आर्टरीज ये क्या करती है, ये ब्लड को हार्ट से डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी तक पहुंचाती है, मतलब ये प्योर ब्लड ले जाती है, आर्टरीज हमारी प्योर ब्लड ले जाती है। जब हार्ट में ब्लड प्योर हो जाएगा तो आर्टरीज उसे लेकर सभी ऑर्गन तक पहुंचाती है, और वेन्स ये क्या करती है, सभी ऑर्गन से ब्लड को लेकर हार्ट में पहुंचाती है, तो ये इम्प्योर ब्लड को ले जाती है। बच्चों जब हमारे क्रियाकलापों द्वारा जो हमारे ऑर्गन्स के जो काम है उनके द्वारा जो है उनमें इम्प्योरिटीज घुल जाती हैं तो वो वेन्स द्वारा हार्ट को भेजते हैं, तो वेन्स जो है इम्प्योर ब्लड ले जाती है और आर्टरीज ब्लड द्वारा साफ किए गए प्योर ब्लड को ऑर्गन तक ले जाती है। आर्टरीज ब्रंच आउट इंटू सिमिलर एंड थिनर ब्लड वेसल्स, तो आर्टरी जो है वो वेंस से पतली होती है, बहुत पतली ब्लड वेसल्स है आर्टरीज है, और दीज फर्दर ब्रांच इनटू द इवन सिमिलर ब्लड वेसल्स कॉल्ड कैपिलरीज, और इन्हीं आर्टरीज के साथ ही इन्हीं के जैसी एक पतली और पतली ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर होती है ब्लड वेसल, उन्हें हम कैपिलरीज कहते हैं। तो कैपिलरीज आर द सिमिलेस्ट ब्लड वेसल्स, मैनी कैपिलरीज यूनाइट टू फ्रॉम वेंस कैपिलरीज हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेज वाटर एंड न्यूट्रिशन बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यूज। तो कैपिलरीज क्या है, वो सेम ब्लड आर्टरीज के जैसी ही पतली सेम ब्लड वेसल्स हैं, पर इनमें ब्लड नहीं फ्लो होता है, ये वाटर और न्यूट्रिशन को ऑर्गन विभिन्न ऑर्गन तक पहुंचाती हैं, ये वाटर और न्यूट्रिशन को विभिन्न ऑर्गन तक पहुंचाती है, इनमें ब्लड जो है फ्लो नहीं होता है, इनमें वाटर फ्लो होता है। अब बात करेंगे ब्लड की, तो ब्लड इज रेड कलर फ्लूड, आपको पता है कि ब्लड एक रेड कलर का लिक्विड है, फ्लूइड है या गाढ़ा द्रव्य है कह सकते हैं, और ये पूरी ब्लड वेसल के अकॉर्डिंग पूरे बॉडी में फैला रहता है, और ये क्या करता है, जैसे जब हम कोई फूड खाते हैं तो ये क्या करता है, फूड का न्यूट्रिशन या जब रिस्पायर करते हैं सांस लेते हैं तो उसका ऑक्सीजन उसको क्या करता है, उसको बॉडी के विभिन्न ऑर्गन तक पहुंचाता है और ऑर्गन द्वारा दिए गए कार्बन ऑक्साइड को रिस्पायर वापस लंग्स में पहुंचाता है, जिससे बॉडी के बाहर कर दिया जाता है। और उसके बाद ये क्या काम करता है, इट आल्सो ट्रांसपोर्ट द वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी टू द एक्सक्रीटरी सिस्टम सो दे कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। और ये क्या करता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो वेस्ट बनता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम द्वारा जो बॉडी का वेस्ट बनता है जो बॉडी में यूज के लायक नहीं होता, उनको ये जो है शरीर से बाहर कर देता है, इसके लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है। चलिए अब हम पढ़ेंगे ये रिवाइज एंड रिकॉल। आई एम अ मस्कुलर ऑर्गन दैट पंप्स ब्लड, अभी भी हमने पढ़ा था जो हार्ट है वो मस्कुलर ऑर्गन है और ब्लड को पंप करता है, तो यहां हम लिखेंगे हार्ट। आई कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी एंड देन बैक टू द हार्ट। तो ये क्या करता है, ब्लड को हार्ट से सभी ऑर्गन तक पहुंचाता और वापस भी लाता, तो ये ब्लड वेसल्स हैं। आई एम द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स, तो स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स बेटा हमारे आर्टरीज हैं, क्योंकि आर्टरीज ही पतली थिनर ब्लड वेसल्स होती हैं, सॉरी आर्टरीज नहीं कैपिलरीज हो सकती हैं। ये देखिए, दिस फर्दर ब्रांच इनटू इवन स्मॉलर ब्लड वेसल्स कॉल्ड कैपिलरीज। अच्छा, स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स हम कहेंगे कैपिलरीज। आई एम द ब्लड वेसल दैट कैरीज ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू
डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, तो हार्ट से डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी पे ब्लड वेसल्स जो ब्लड ले जाती है वो है एर्टरीज, क्योंकि ये प्योर ब्लड ले जाती हैं। और आई एम द ब्लड वेसल दैट कैरीज ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी और टू द बैक टू द हार्ट, दी बेटा वेन्स हैं। आई फ्लो थ्रू द ब्लड वेसल, तो ब्लड वेसल के थ्रो जो बहने वाला जो लिक्विड है, फ्लड है, वो है हमारा ब्लड। तो हमें क्या भरेंगे, सबसे पहले हार्ट, दूसरे में भरेंगे ब्लड फ्रॉम हार्ट टू आर ब्लड वेसल्स, और तीसरे में भरेंगे, थर्ड में आई एम द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल कैपिलरीज, फोर्थ में आई एम द ब्लड वेसल्स कैरीज ब्लड आर्टरीज, और ये इसमें वेन्स, और सबसे लास्ट में ब्लड। तो बच्चों आई थिंक आपको सर्कुलेटरी सिस्टम समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम की। तो बच्चों देखिए, जैसे जब लोग सुबह फ्रेश होने जाते हैं या दिन में टॉयलेट जाते हैं, तो ये हमारे बॉडी का एक्सक्रीटा मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल है, जो बॉडी के विभिन्न क्रियाकलापों द्वारा बॉडी में यूज नहीं हो सकने वाला मटेरियल है, जो खराब हो गया है, जो बॉडी के लिए हार्म हो सकता है, तो उसको बॉडी से बाहर करना पड़ता है। तो इसके लिए जो है हमारी बॉडी में एक डिफरेंट जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, जो वहां पर वाटर को और फूड मटेरियल को उसमें से हार्मफुल सब्सटेंस को अलग करता है, तो इसे हम एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। ये देखिए, जैसे हमारी किडनी है, ये हमारी किडनी जो है, ये जो हम वाटर बॉडी में पीते हैं उनको फ्रेश करती रहती है, और जो एकदम इम्प्योरिटी और उसमें जितने बॉडी क्लियर क्रापर है, जो भी गैसियस या सॉलिड सॉरी लिक्विड में जो गैसियस इम्प्योरिटीज मिलती है शरीर में बॉडी में, उनको वो वाटर में घोल कर इस तरह से यूरिनरी ब्लैडर में पहुंचा देती है, जिससे यहाँ से ये शरीर द्वारा बाहर कर दिया जाता है। तो यही बात है, द एक्सक्रीटरी सिस्टम रिमूव्स वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या करता है, शरीर के वेस्ट को, कचड़े को जो है शरीर से बाहर करता है। दिस ऑर्गन ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम इंक्लूड अ पेयर ऑफ किडनी। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होता है, एक पेयर ऑफ किडनी, एक जोड़े किडनी, एक पेयर ऑफ दो पेयर अ पेयर ऑफ किडनी, किडनी का एक पेयर मतलब एक जोड़ा किडनी, एंड ए पेयर ऑफ ट्यूब्स, और एक दो ट्यूब्स, दो किडनी दो ट्यूब्स कॉल्ड यूट्रस। तो ये देखिए, ये किडनी और ये ट्यूब, इनको क्या कहा जाता है, यूरेटर। ठीक है, ये जो हमारा ये किडनी है दोनों तरफ, और ये इनकी ट्यूब, इसको कहते हैं यूरेटर। उसके बाद ये जो हॉलो स्पेस, अंदर हॉलो स्पेस होता है, तो इसे किडनी कहते हैं, और इस ट्यूब को कहते हैं यूरेटर। तो एक किडनी और पेयर ऑफ यूरेटर को क्या कहते हैं, यूरेटर्स कहते हैं। अ यूरिनरी ब्लैडर एंड अ यूरेथ्रा। तो अब देखिए यहां पर क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है जहां पे यूरिन इकट्ठा होता है, जो वेस्ट वो लिक्विड वेस्ट इकट्ठा होता है, और ये यूरेथ्रा है जहां से वो पाइप वो ट्यूब जिसके द्वारा एक्सक्रीट किया जाता है लिक्विड वेस्ट को। किडनी आर बीन शेप्ड स्ट्रक्चर, किडनी एक बीन शेप्ड स्ट्रक्चर है दैट एक्ट लाइक फिल्टर टू कलेक्ट हार्मफुल वेस्ट सच एज यूरिन एंड एक्सेस सॉल्ट फ्रॉम द बॉडी। तो किडनी क्या करती है, बॉडी में जो लिक्विड है उसमें जो एक्सेस सॉल्ट बॉडी में कंज्यूम किया जाता है या हार्मफुल सब्सटेंस कंज्यूम किया जाता है, उसको प्यूरिफाई करती है, और प्यूरिफाई करके यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर करती है। और यूरेटर्स आर द पेयर ऑफ ट्यूब्स, और यूरेटर जो है वो ट्यूब है जिसके द्वारा यूरिनरी ब्लैडर में ये लिक्विड वेस्ट को भेजा जाता है। द कैरी दैट कैरी दीज वेस्ट फ्रॉम द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। तो ये क्या करता है, किडनी से यूरिनरी, ये जो ये हमारा यूरेटर है, ये किडनी से वेस्ट को कंजम करके और यहाँ यूरिनरी ब्लैडर में कैरी करता है, यहाँ जाके स्टोर करता है। और यूरिनरी ब्लैडर स्टोर द यूरिन अंटिल द रिलीज फ्रॉम द बॉडी। तो ये यूरिनरी ब्लैडर जो है यूरिन को होल्ड करती है जब तक कि वो बॉडी से बाहर नहीं किया जाता है। यूरेथ्रा इज अ ट्यूब दैट लेट्स आउट द यूरिन फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर एंड दस आउट ऑफ द बॉडी। तो ये देखिए, यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन स्टोर होता है, हमारा लिक्विड वेस्ट स्टोर होता है, और ये जो ट्यूब है यूरेथ्रा, इसके द्वारा ये बॉडी के बाहर कर दिया जाता है। तो बच्चों आपका ये चैप्टर सर्कुलेटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम कंप्लीट हो गया है। अब आज के होमवर्क में जो है, आप सबसे पहले तो ये कॉपी बुक में भरेंगे और इसको पोस्ट करेंगे एक घंटे के अंदर, जब आपका 3 बजे ग्रुप में खुल जाएगा, आपका सेटिंग चेंज हो जाएगा, तो आप 3 बजे इसको पोस्ट करेंगे। प्लस खुद से ये कि इसको आप करेंगे कॉपी में करेंगे,
अब कीवर्ड भी कॉपी में करेंगे, ये दोनों काम आप करेंगे। और इसके अलावा ये आप अपना एक्सरसाइज सारे एक्सरसाइज ढूंढ के भरेंगे, और भरने के बाद आज के होमवर्क में इसको पोस्ट करेंगे। और जो बच्चे पोस्ट करेंगे वो तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, जो नहीं कर पाएंगे या जिनसे नहीं हो पाएगा, जिनको हेल्प की जरूरत है, तो उनके लिए कल मैं सॉल्व एक्सरसाइज ग्रुप में कल पोस्ट करूंगी। आज के लिए आप खुद से स्वयं से करके आज जो जो करेगा उसको वेरी गुड, और क्वेश्चन आंसर या सॉल्व एक्सरसाइज मैं कल ग्रुप में पोस्ट करूंगी। तो सभी बच्चे जो है, जो भी बच्चे हैं, जो इंटेलिजेंट बच्चे हमारे बहुत इंटेलिजेंट है, सभी बच्चे इसको केयरफुली इसको आज ही करेंगे और पोस्ट करेंगे। सही बच्चे, ये एक्सेस पेज नंबर 55 और पेज नंबर 56, और कल मैं सॉल्व एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर कल ग्रुप में पोस्ट करूंगी। ओके, तो गुड लक फॉर योर होमवर्क। थैंक यू।